ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारी दुनिया को ही खत्म कर सकता था। साल 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में अपने एक परमाणु बम की टेस्टिंग की, जिसे यूएस के हवाई स्टेट से स्पेस में भेजा गया। इसका नाम था स्टारफिश प्राइम और ये हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उससे 500 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसको जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर आसमान में फटना था, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी ऊपर ब्लास्ट करने से हमारी दुनिया पर कोई नुकसान नहीं होगा, ना तो कोई ब्लास्ट की आवाज आएगी और ना ही शॉक वेव्स आएंगी, बस एक नॉर्मल फुलझड़ी की तरह ये हमें आसमान में फटता हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये रात में फटा तो इस बॉम ने रात में दिन निकाल दिया, वो भी पूरे 15 मिनट तक। और इस ब्लास्ट से एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनी, जिससे हवाई के रेडियो स्टेशंस बंद हो गए, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद, इमरजेंसी अलार्म्स बज गए, हवाई में ब्लैकआउट हो गया, दुनिया के चारों तरफ एक आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट बन गई जो कि 10 सालों तक रही। और अगर जियोमैग्नेटिक फील्ड तबाह हो जाता तो कुछ ही सालों में दुनिया से लाइफ खत्म हो जाती।